सो हेलो रैंक पुशर्स, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और भाई आप लोग का रैंक पुश भी काफी अच्छे से चल रहा होगा। तो आप लोग अपना रैंक और टायर कमेंट में बताना मत भूलिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं हमारे रैंक और टायर की। तो यहाँ पे देख लो, टीपीपी सोलो और एफपीपी सोलो। तो यहाँ पे सोलो में यहाँ पे 3500 का था, टीपीपी में है, और बात करें एफपीपी की तो यहाँ पे 375 है। तो देख लो रैंक का कितना ज़्यादा डिफरेंट है, जबकि यहाँ पे मेरा डायमंड 5 है एफपीपी में और टीपीपी में डायमंड 3 है। ओके, तो भाई आप लोग को लग रहा होगा कि हाँ मैं रैंक पुश थोड़ा स्लो कर रहा हूँ, ठीक है। अब तक मुझे जो एफपीपी में है क्राउन 3 तक आ जाना चाहिए था और टीपीपी में भी क्राउन 3 तक आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जो है रैंक पुश ना टीपीपी एफपीपी दोनों में साथ ही में कर रहा हूँ, तो जिसके वजह से भाई मैं थोड़ा स्लो रैंक पुश आपको लग रहा होगा, बट मैं अपने तरफ से फुल ट्राई दे रहा हूँ, ठीक है। और 8 से 10 दिन में ना मेरा कॉन्कर भाई सोलो टीपीपी एफपीपी दोनों में हो जाएगा, तो उसकी कोई चिंता नहीं है। और भाई प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई 1000 होने वाले हैं। अगर आप करवा देंगे तो भाई बहुत ही मेहरबानी होगी। लास्ट टाइम तो पूरा हो गया है बट 1000 सब्सक्राइबर हुए नहीं, जिसकी वजह से चैनल भी मोनेटाइज हुआ नहीं है। तो बात करते हैं हमारे वीडियो के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि भाई आप हर एक मैच में ज़्यादा से ज़्यादा प्लस कैसे निकालें, तो जिसके लिए आपको वीडियो पूरा देखिएगा। तो बात करते हैं हमारे गेम प्ले के बारे में। यहाँ पर मैं उतरता हूँ, मेरे को गन भी मिल जाती है, बट आसपास देखो ढेर सारे बंदे हैं, बट यहाँ पर मुझे किली नहीं मिलता। तो भाई काफ़ी स्ट्रगल के बाद फाइनली यहाँ मेरे को एक किल तो मिल गया। फिर यहाँ पर मैं अंदर जाता हूँ, क्योंकि भाई वहाँ पे मैं ओपन में था और भाई चारों तरफ से कहीं से भी बंदे मार सकते हैं, तो इसलिए मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा था। भाई ये बंदा डीबीएस लेके मेरे ऊपर पुश कर देता है, बट इसको भी हमने बहुत ही इजी मार दिया। तो यहाँ पे इसको मारने के बाद मेरे 2 किल। फिर यहाँ पे एक बोट भी आ जाता है, जो कि मुझे स्टार्टिंग में लगा कहीं ये बंदा तो नहीं है मेरे ऊपर जो पुश कर रहा है। बट ये बोट रहता है, इसको मारने के बाद यहाँ पे उसके बाद एक और बोट आ जाता है। तो यहाँ पे मेरे 4 किल हो गए थे, 2 बोट के और 2 बंदे के। फिर यहाँ पे भाई एक और बंदा देखो अभी आ जाता है कहीं से, और उसका जैसे फुट्स आया मेरे को, मैं यहाँ पे शांति से खड़ा हो जाता हूँ, जैसे ही बंदा सामने आएगा मार देंगे। अब भाई इसको भाई जो भी कैंपिंग बोलेगा ना वो गलत बोलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे ओपन में आके नहीं लूट सकते। यहाँ पे रिमेनिंग में ऑलरेडी दिख रहा होता है बंदा कितना है। फिर यहाँ पे मैं निकलने के बारे में सोचता हूँ, मेरे 5 किल हो गए, तो उतने में सामने से यहाँ पे फुर्स आता है। ओके, तो इस बंदे से हमारी फाइट होती रहती है, ठीक है। तो बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में कि आपको हाई प्लस कैसे निकालना है, ठीक है। अब देखो भाई आपको ना हर हाल में जो है टॉप 10 सर्वाइव करना है, ठीक है, चाहे आपके पास किल हो या ना हो। अगर आपको किल निकालना है तो आप ना जब यहाँ पे इवेंट पे उतरते हैं तो यहीं पे 3 से 4 किल तो आप ट्राई किया करिए निकाल लें। उसके बाद जब आप रिकॉल होते हो तो आप फुल सर्वाइवल गेम खेलिए, ठीक है। आप टॉप 15 टॉप 10 आने के बाद वहाँ पर जाके रश करके किल निकाल सकते हो, ठीक है। तो अभी आप ना डायमंड या क्राउन पे होंगे तो आपको ना टॉप 30 मरने पर भी थोड़ा बहुत प्लस देखने को मिल जाता होगा, बट जैसे ही आप एस क्रॉस करोगे और कॉन्कर लॉबी आने लगेगी ना, तो भाई अगर आप इस हिसाब से खेलोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। तो भाई अपना टॉप 10 सर्वाइव करो और भाई किल जो है यहीं पर निकालो, जितने सारे निकालने, फिर बाद में चल के अपना भाई कहीं पर होल्ड करो और ढेर सारे प्लस निकालो, ठीक है, मतलब कि पोजिशन पॉइंट्स निकालो। अब भाई आप इन ज़ॉम्बी साहब को देख लो, मन बुद्धि को बार बार मेरे आगे ही आ जा रहा है। अब आप लोग यहाँ पे मेरा क्रॉस हेयर और कंट्रोल पूरा साथ में देखना, ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हुआ।
अब भाई यहाँ पे ड्रॉप शॉट देने के बजाय मेरे से जंप हो गया और भाई क्रॉस एयर पूरा हिल गया और बंदे ने ड्रॉप शॉट देके आराम से मार दिया। फिर देखो मैं लैंडिंग जो है यहाँ पे भाई गलत डिसीजन हो जाता है लैंड करने में, क्योंकि भाई ये जोन के अंदर था तो मेरे को लगा भाई यहाँ पे अच्छी खासी लूट भी मिल जाएगी तो यहाँ पे मेरे को पोजीशन भी मिल जाएगा। बट यहाँ पे आने के बाद पता चलता है भाई इधर तो ऑलरेडी सब लूटेड है और भाई यहाँ पे कुछ मिलता भी नहीं। यहाँ पे मैं व्हीकल के चक्कर में आया था, यहाँ पे व्हीकल भी नहीं मिलता और लूट भी कुछ नहीं मिलता, जिसकी वजह से भाई मेरे को बहुत ज़्यादा आगे चल के जो है प्रॉब्लम होने वाली थी। तो देखो यहाँ पे मैं भाई अपनी जान हथेली पे रख के आके यहाँ पे रास्ते में ट्रिपला थी उसको उठाता हूँ, आ जाता हूँ अपार्टमेंट लूटने। यहाँ पे लूट ही रहा होता हूँ भाई एक और बंदा इधर पे आ जाता है जिसके पास भी व्हीकल नहीं रहती, तो अब देखो व्हीकल की मारामारी होती है यहाँ पे। अब भाई ये बंदा ना मेरे पे ट्रिक कर रहा है कि जैसे अगर वो व्हीकल पे अगर जाएगा तो मैं यहाँ से इस खिड़की से जंप करूँगा तो भाई वो बंदा मेरे को इजी मार देगा, ठीक है। तो उसके ट्रिक में मैं आता नहीं हूँ, बट देखो अभी लास्ट में यहाँ पे क्या होता है। अब देख लो आप यहाँ पे भाई जोन श्रिंक होना स्टार्ट भी हो गया था और अभी हम यहीं पे हैं, तो भाई इस बंदे को ना रश करके मार देना चाहिए था। तो दोबारा से ऐसी गलती हम कभी नहीं करने वाले, अगर बंदा रहेगा ना तो उसको रश करके जल्दी से जल्दी मार देंगे ताकि हम जल्दी से जोन में जा सकें। फिर देखो इधर पे क्या हुआ। अब देखो यहाँ पे मुझे लगा कि भाई जो मौली है रूम के अंदर ही तक लिमिट तक रहेगा, बट भाई वो बाहर आ गया, यहाँ पे मेरे को काफ़ी गंदोला डैमेज भी कर दिया भाई, अब जिससे मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता हूँ, फिर बंदे पे रश कर देता हूँ। अब भाई यहाँ पे हमने इसको तो मार दिया फटाफट से, मैं सोचता हूँ हीलिंग उठाऊंगा और हील करके निकलूंगा, बट भाई यहाँ पे इन भाई साहब का देखो अलग ही नाटक है, जोन के बाहर ही बैठे हैं, जोन में इनको जाना ही नहीं भाई, पता नहीं क्या ही गेम है, ऐसे नहीं होगा भाई कॉन्करर, ठीक है। तो देख लो भाई ये बंदा यहीं पे हिल बटल किए जा रहा है, मतलब जोन एकदम से श्रिंक हो गया भाई, क्या ही नौटंकी है यार, ऐसे ऐसे बंदे भी है। तो भाई बंदे कहीं भी हो सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है जैसे जैसे मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं सेकंड गेम प्ले में, यहाँ पे मेरी लैंडिंग होती है अच्छी खासी और वहाँ पे देख लो भाई प्लस मेरे को ठीक ठाक मिल गया था, मतलब 16 का प्लस फिर भी मिल गया था इतना, मतलब कि अर्ली मरने के बाद। और यहाँ पे देखो भाई बंदे को मैंने हेडशॉट दिया फिर भी बंदा मरा नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं मर गया क्योंकि बंदे की गोली पहले चली थी, तो कोई बात नहीं भाई, फिर भी मेरा ये मैच जो है काफ़ी अच्छा जाने वाला है क्योंकि भाई इसमें लॉबी भी काफ़ी अच्छी खासी रहती है। फिर देख लो दोबारा मैं यहाँ पे जो प्लेन पास से दूरी पे था जो इवेंट था मैं वहाँ पे दोबारा से उतर जाता हूँ और यहाँ पे भाई रिमेनिंग में अभी एक बंदा दिख रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फटाफट ढेर सारे लूट कंप्लीट कर सकता हूँ अपनी। तो देख लो इधर पे भाई अभी रिमेनिंग में यहाँ पे दो दिख रहा है, मतलब कि सामने अभी एक और बंदा है जिसका मेरे को अभी फुटस्टेप भी आ जाता है। तो देखो आप, तो भाई इनको भी यहाँ पे हमने मार लिया, इनको मारने के बाद यहाँ पे मेरा फाइनली खाता खुल जाता है, इसको मारने के बाद यहाँ पे एक बोट भी आ जाता है जो मेरे को स्टार्टिंग में लगा कि बंदा नहीं है, बट ये बंदा नहीं बोट ही रहता है। इसको मारने के बाद यहाँ पे मेरे दो किल हो जाते हैं। अब देखना एकदम से लास्ट में मैं अपनी बग्गी उठाता हूँ और आगे जो एक कंपाउंड है ना मैं उधर ही पे जाके होल्ड कर लूंगा और भाई जब लास्ट का जोन यहाँ पे श्रिंक होगा और जब ये जो जॉम्बी है वो बड़ा वाला यहाँ से मर जाएगा उसके बाद इसकी लूट यहाँ पे लूंगा फिर यहाँ से निकलूंगा। उतने में भाई यहाँ पे एक बोट भी आ जाता है, बोट को मारने के बाद यहाँ पे मेरे 3 किल तो हो गए थे। तो देख लो यहाँ पे भाई लेवल 3 का लूट मेरे को हेलमेट वेस्ट गिली शूट वगैरह और भाई MG3 भी मिल जाता है। फिर लास्ट में मैं यहाँ पे जोन में एंट्री करता हूँ, मेरे सामने एक कंपाउंड रहता है, मैं जाके सोचता हूँ वहीं पे होल्ड करूंगा, बट वहाँ पे ऑलरेडी एक UAZ आ जाती है अभी और एक बंदा वहाँ पे पहले से होल्ड भी कर रहा था। फिर देखो यहाँ पे क्या सीन हुआ। अब भाई ये दोनों बंदे आपस में फाइट करने के बजाय मेरे को ही स्प्रे करने लगे, भाई गलत ही सीन हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैं बच तो जाता हूँ बट आगे आता हूँ, आगे आने पे मैं सोचता हूँ यहाँ पे जल्दी से अपने आप को हील कर लूँ भाई, अभी कहीं पे जाऊँगा तो मारा ही जाऊँगा। फिर यहाँ पे भाई ऊपर से एक मुझे गाड़ी का साउंड आता है, इसलिए मैं यहाँ से तुरंत अपनी बग्गी उठाता हूँ और आगे जो घर है ना ये थोड़ा सा जोन में रहता है इसलिए मैं जाके वहीं पर होल्ड करूँगा।
और इधर आने के बाद पता चलता है कि भाई यहाँ पे कोई बंदा भी नहीं है और यहाँ पे मैं शांति से लेट जाता हूँ और भाई लास्ट के जोन में इधर पे एक बग्गी आती है जो कि भाई मेरे MG3 का साउंड सुनते ही इधर से निपट जाता है, मतलब कि भाग जाता है, खलास हो जाता है और जोन के बाहर ही चला जाता है। फिर भाई यहाँ पे देख लो, अभी हमारा टॉप 10 भी नहीं हुआ था, 14 बंदे बचे थे, मेरे किल थे 3, तो मुझे एक थोड़ा बहुत किल भी चाहिए था, ठीक है। इसलिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पे ऊपर, बंदे को स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो एलिटा नाम का बंदा है ना, इसके पास भाई काफ़ी ढेर सारे गन की स्किन्स हैं, तो उसको तो मैं ही मारने वाला हूँ। बट यहाँ पे जैसे मैं ऊपर वाले बंदे को स्पॉट करके मारने का ट्राई करता हूँ, दूसरा बंदा मेरे को स्प्रे करता है, बट भाई उसको ना अभी ऊपर वाला बंदा ही मार देगा जिसको ये डिफेंड कर रहा था, ठीक है, गलती से। तो यहाँ पे उसने इसको मार दिया। अब भाई यहाँ पे मेरे टॉप 10 भी हो गए थे, अब भाई मेरे पास जोन भी नहीं था तो मुझे जोन में जाना था। तो यहाँ भाई देखते देखते इतना ज़्यादा मैं लीन हो जाता हूँ इनमें, सर्कल का भी स्टार्ट हो जाता है, मुझे भाई पता ही नहीं चलता। फिर यहाँ से फटाफट अपनी बग्गी तो उठाता हूँ और जोन में भी एंट्री कर लेता हूँ। और भाई यहाँ पे मैं सोचता हूँ सबसे पहले अपने आप को हील कर लूँ, और एलिटा मेरे सामने ही है अभी, देखो अभी। जो कि किसी और से ही फाइट ले रहा था और इसको हमने इधर पे मार दिया भाई, अच्छा लगा इसको मार के, मजा आ गया एक तरफ से, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ऊपर एक बंदा है, तो अभी मैं ना शेक के बाहर होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर उसके पास नेड और मोली होगी ना, वो शेक के अंदर ही डालेगा, बाहर नहीं डालेगा। भाई उतने में ये बंदा मेरे पे पुश करता है, मैं भी आगे बढ़ता हूँ। अब भाई यहाँ पे आगे जाना कितना सही था कितना गलत था वो आप ही बताइएगा। अब बंदा पुश किया, उसके गन से गोली पहले लगी और डैमेज भी पहले किया, फिर भी इसको मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज कर दिया था। कोई बात नहीं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे ना हो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई थोड़ा सा मोटिवेट कर दो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।